लिए बस आ चुकी है हमारी, इसी पे जाना है हमको। और हमारे ग्रुप के आधे मेंबर आगे पहुंच चुके हैं, तो उनसे हम आपको थोड़ी देर से शिवा है। हाँ, और ये नहाने में 50 मिनट लगा दिए, इसी कारण लेट हो गए, 5 बजे तो शेड्यूल मिल जाते हैं। हमारे साथ देखते हैं बस चल के, हाय बोलो, कहना चाहिए। आज क्या आप गए हैं पहले पर्वत? नहीं नहीं, मैं पहले कभी नहीं गया हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। दोस्तों के साथ पहली बार का मजा ही और होता है। क्या आप एक्साइटेड है फिर वहां जाने के लिए? बहुत बहुत। हम अटक चुके हैं ट्रैफिक में, आप देखते हैं कितनी देर, यूजुअली भी 1 घंटा लगता है, पर हमको ट्रैफिक को देख के लग रहा है कि 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। अभी कितना बज रहा है, टाइम क्या हो रहा है? 5 मिनट हो चुका है, आप देखते हैं कब तक पहुँचा। ट्रेडर जी हो चुकी है गाइस, अभी हमको बस चेंज करनी पड़ रही है, बस बदलनी पड़ रही है हमको। उस बस वाले ने हमको पहले नहीं बताया था कि वो गांधीनगर तक नहीं जाएगी, अब हमने दूसरी बस ढूंढनी पड़ेगी जो गांधीनगर तक जाए। चलो गाइस, गाइस ये तो रन थोड़ा भागना पड़ेगा अपना को। ये बस मिल चुकी है, गांधीनगर जाएगी, इसका नाम ई2 है। चलो बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं, जल्दी बस एंटर करने वाले। गाइस तो आप देखते हैं, अब पैदल जाना है हमको थोड़ी दूर तक, वैसे बस देखते हैं। टेम्पो में जा रहे हैं, दो बस चेंज कर रही है, तीसरा टेम्पो है, फिर पैदल भी जाना है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। गाइस उतर चुके हैं हम, ये रहा आपका पीछे का पर्वत, यही है, हमको इधर ही जाना है। तो भूख लग चुकी है, निकलते थे ही तो मंदिर में जाने से पहले हम खाना खा रहे हैं। यहाँ से एंट्री था इनका ये था, और ये लोग फोटो खिंचाने लग गए हैं, फोटो शूट करा रहे हैं, ऊपर नहीं चल रहे हैं, लेट हो जाएगा तो फिर बाद में बोलेंगे गाड़ी नहीं मिली इनको। हेलो गाइस, तो मैं हूँ दिव्येश शर्मा, और ये संजीव का व्लॉग शूट हो रहा है, लेकिन एक पार्ट में शूट कर रहा हूँ। तो हम 5 बजे निकले थे भौरकुआ से, पितृ पर्वत तुम्हें से कोई नहीं गया, तो हम वहाँ से हम बैठे सिटी बस में, और यहाँ पर करीब 40 मिनट बाद में हम गांधीनगर पहुँचे। गांधीनगर से हमने टेम्पो से हम यहाँ तक पहुँचे। पितृ पर्वत यहाँ से आप लोग देख सकते हो, वैसे तो विजिबल नहीं है, और हमारे साथ हमारे कुछ बहुत ही तेजस्वी लोग चल रहे हैं, जिसमें से हम एक का इंटरव्यू लेते हैं। जी हाँ बोलिए जी, हेलो, आइए। तो आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अभी भूख लग गई थी तो हमने थोड़ी देर के पेटी खाई, उसके कारण हमको लग रहा है कि लेट नहीं हो जाए, पर वो कि जल्दी पहुँच जाएंगे अंधेरा होने से पहले, और सनसेट व्यू नहीं मिस कर सकते, वहाँ का सनसेट व्यू बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, वही हम जा रहे हैं अभी। इंदौर आपको कैसा लग रहा है संजीव? इंदौर तो है ही अच्छा, सुना भी था उसके बारे में, जैसा सुना था वैसा ही है, सेफेस्ट क्लीनेस्ट सिटी। और संजीव को हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बियर मास्क वाला ट्रेंड चला रहे हैं, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करते हुए। थैंक यू संजीव, अब हम दूसरे दोस्त पर जाते हैं। अभी श्रीवास्तव हमारे दोस्त है दूसरे, आइए अभी। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ सर? यहाँ आपकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और इंदौर में आपके 3 साल कैसे गए? मेरे इंदौर में 3 साल काफ़ी अच्छे गए, और यहाँ पे आप देखिए आपका क्या व्यू है, मतलब यहाँ माहौल है। क्या आप पितृ पर्वत पहले कभी आए हैं? नहीं, मैं पहली बार ही आया हूँ। आप घूमटगिरी आए हैं लेकिन? हाँ। आपको कैसे पता? क्योंकि हम नहीं आए थे। ये भी ठीक है। चलिए हमारे तीसरे दोस्त के पास चलते हैं, जिनका नाम है राज सिंह पटेल। राज, कैसे आप? मैं बढ़िया हूँ बिल्कुल। और यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है हम लोगों के साथ आकर? बहुत बहुत मजा आ रहा है, जिंदगी के असली मजे यही है। अरे मजे हम सबको देते नहीं नहीं, ये सिर्फ हम अपने तक रखेंगे। ये जो मजा है ये हम किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। यहाँ पे असली शांति का परिचय होता है। तो हमारे आखिरी दोस्त जो हमारे साथ यहाँ पर आए है, बड़े ही हैंडसम और तेजस्वी इंसान, शिवा सिंह बघेल। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ये हमारे यंगस्टर्स के लिए यूथ आइकॉन है हमारे, ये फैशन बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पर आते थे लड़कियाँ, इन पे फिदा है। अपने भैया से दिवेश भैया। हाँ तो शिवा, आप पहली बार आए हैं इंदौर में, आपको कैसा लग रहा है यहाँ से? बहुत मजा आ रहा है, और वो भी वो असली मजा मुझे आप जैसे दोस्तों के साथ लेने को मिल रहा है। और आपको अगले 3 साल आप इंदौर में बिताने वाले हैं? बिल्कुल। तो आप क्या आप इंदौर को और एक्सप्लोर करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स करेंगे, जब 3 साल रहेंगे 3 साल करेंगे।
स्टार्टिंग है, अभी पिक्चर बाकी है। थैंक यू शिवा। तो गाइस इसी तरीके से हम पांच लोगों का जो ग्रुप है हम ऐसे ही मस्ती करते रहेंगे। चलिए सी यू सून देन, बाय। पिकॉक के दर्शन हो चुके तो हमको मिलाते हैं हमारे पिकॉक से। गाइस इसी बात में लाइक शेयर कमेंट फॉलो सब कर दो।